नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप ऑनलाइन ये फॉर्म भरेंगे दोस्तों, कोचिंग सीपीआर लिमिटेड का दोस्तों। और इसका क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है दोस्तों, ये सारा कुछ जानने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप जाके देख सकते हैं वीडियो दोस्तों। उस लिंक में आपको वीडियो में सारा कुछ बताया गया है कि आप क्या, आपको यहाँ पर क्या क्या लगेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज ग्रुप है, क्या पोस्ट है, कितना पोस्ट है, सारा कुछ बताया गया उस वीडियो में। तो जाके आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आके आप यहाँ पे इस वीडियो को देख के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एक बात पूर्ण भूल ही गया मैं दोस्तों, आप यदि पहली बार आए मेरे चैनल पर तो फिर दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए दोस्तों। और साथ में यदि वीडियो अच्छा लगे आपको दोस्तों, कुछ भी आपका हेल्प हो जाए मेरे वीडियो से, तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक है दोस्तों, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट नेम की, आपको फर्स्ट नेम याद देना होगा अपना, फिर उसके बाद लास्ट नेम देना होगा, फिर उसके बाद आपको यूजर नेम देना होगा दोस्तों। यूजर नेम जो आपका यूजर नेम, यहाँ पर यूजर नेम का मतलब ईमेल आईडी आपको देना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड खुद से देना होगा, ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं बोल रहा हूँ, आपको खुद का पासवर्ड देना होगा दोस्तों। फिर आपको रिपीट करना होगा वही पासवर्ड, फिर आपको ईमेल आईडी देना होगा दोस्तों। ईमेल आईडी यहाँ पर एक्चुअली ईमेल आईडी आप दे सकते हैं यूजर नेम के, जहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया जाता है, लेकिन आप यदि दूसरा नाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं यहाँ पर। लेकिन नीचे में जो है आपका, यहाँ नीचे में आपको ईमेल आईडी भी देना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको रिपीट करना होगा अपना ईमेल आईडी को दोस्तों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना होगा यस आई एम विद द डाटा स्टेटमेंट, फिर टिक करना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको कंफर्म करना होगा। तो फिर दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ आप भरने के बाद फिर नीचे में आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप सब कुछ भर देंगे, उसके बाद आपको रजिस्टर करने का, यहाँ पर ईमेल आए यूजर नेम मेरा गलत हो गया दोस्तों, तो यूजर नेम सही कर। तो फिर दोस्तों, यहाँ पर आप इस तरह से फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों मेरा, देखिए पासवर्ड जो है दोस्तों, इसमें आपको एक कैपिटल लेटर लेना, एक स्मॉल लेटर लेना और एक नंबर भी लेना आपको, एक स्पेशल कैरेक्टर भी रहना चाहिए आपका पासवर्ड, आपका पासवर्ड जो है 8 डिजिट से ज़्यादा का होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर तो फिर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है दोस्तों मुझसे, यहाँ पर देखिए आपसे ना हो गलती इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। यहाँ पर जो आपका यूजर नेम है दोस्तों, यूजर नेम और आपका ईमेल वो सेम होना चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो आप पासवर्ड आप जो देंगे दोस्तों, पासवर्ड में आपका जो एक अपर केस मतलब आप कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर होना चाहिए, और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए दोस्तों। और ये 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए दोस्तों। तो ये मेरे से गलती हो गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आपसे ना हो गलती। फिर लास्ट में यहाँ पर आप टिक देंगे यस में, टिक देंगे, उसके बाद आप रजिस्टर कर देंगे दोस्तों। रजिस्टर करने के बाद आपका यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर हो रहा है दोस्तों। तो फिर दोस्तों, इनके तरफ से इस तरह से आएगा कि आपको मेल आएगा, फिर मेल पर आपको चेक करना होगा, वहाँ से ही आप कंप्लीट कर पाएंगे अपने फॉर्म को दोस्तों। तो मैं अब मेल पर जाता हूँ और मेल पर चेक करता हूँ, इस तरह से आपको मेल पर जाकर चेक करना होगा अपना, वहाँ से ही आप फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिर दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे मेल आईडी में sapadmin@coachingyard.com की तरफ से मेल आया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये आपको ये कंफर्मेशन कोड लिंक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके लिंक को, तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन पेज खुल जाएगा। तो फिर दोस्तों, इस तरह का आएगा आपके सामने पेज कंफर्मेशन ऑफ योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर बोला जाए कि आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर पर्सनल कैरियर पेज पर आप क्लिक कर देंगे दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल के आएगा दोस्तों, कुछ इस तरह का आप
खुल रहा है दोस्तों, नेट एक्चुअली स्लो है थोड़ा दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा लेट लग रहा है। तो फिर दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुल गया है। यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल, पर्सनल सेटिंग, चेंज यूजर नेम, डिलीट रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ आपके सामने ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो आपको माय प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको एडिट करना है अपना डिटेल सारा। तो माय प्रोफाइल पर क्लिक कर लेंगे सबसे पहले। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको टाइटल देना होगा, जैसे आपका यदि मिस्टर है, मिसेस है, आप जो भी है वो आपको देना होगा। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट नेम आपका यहाँ पर टाइप हुआ रहेगा, यहाँ पर जेंडर क्या है, मेल फीमेल वो देना होगा। आपको नेशनलिटी यहाँ चूज करना होगा, आप इंडियन है या तो वो चूज करना होगा आपको यहाँ पर दोस्तों। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ देना होगा, यहाँ आपका रिलीजन देना होगा, आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। आप यदि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी देना होगा, एससी एसटी ओबीसी जो भी आप हैं। एक्स सर्विसमैन आप हैं तो यहाँ यस करेंगे दोस्तों। आधार नंबर आपका यहाँ देना होगा, यहाँ मस्ट कर दिया गया, आधार नंबर देना ही होगा आपको दोस्तों। और फिर आप यदि कोई भी काम करते हैं सी ए कोचिंग सी पी आर लिमिटेड में, तो फिर यहाँ पर आप यस करेंगे। यदि कोई आपके रिलेटिव जो रिटायर कर गए कोचिंग सी पी आर लिमिटेड से, तो फिर यहाँ पर आपको यस देना होगा। उसमें भी दोस्तों यदि नहीं किए हैं तो आपको नो देना होगा। आप बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंस की, तो फिर दोस्तों यहाँ पर यदि आप जो भी आपका परमानेंट रेजिडेंस है, आप जहाँ के भी रहने वाले हो, वो आपको भरना होगा। फिर आपको टेम्पोरी रेजिडेंस भरना होगा, जहाँ पर कि आप फिलहाल के लिए रह रहे हैं दोस्तों। यदि दोनों सेम है दोस्तों, यहाँ आप कॉपी कर लें, या कॉपी परमानेंट एड्रेस तो परमानेंट एड्रेस। फिर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई आप कौन सा एड्रेस को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। प्रीफर्ड एड्रेस में आपको परमानेंट एड्रेस ज़्यादा प्रीफर करेंगे या फिर टेम्पोरी एड्रेस को। तो फिर उसके बाद दोस्तों आपका कम्युनिकेशन किस तरह माध्यम से होगा, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर, जिससे कि आपको कॉन्टेक्ट किया जा सके। यदि आपके पास प्राइवेट नंबर है या फिर बिजनेस नंबर है, यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर देंगे दोस्तों। यदि आपके पास तीनों है तो तीनों नंबर दे दीजिएगा दोस्तों। और कौन सा प्रीफर्ड आप ज़्यादा करते हैं, आप कौन सा ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों, उसको यहाँ पर आपको देना होगा, यहाँ सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको ऊपर जाकर फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप फुल फॉर्म को दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली एक चीज छूट गई है, मेटेरियल स्टेटस इसमें दोस्तों दोस्तों। तो फिर यहाँ पर सिंगल होगा दोस्तों। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, ये गोल गोल घूमेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर एक्चुअली कुछ गलती हुआ है दोस्तों, ये जो भी गलती हो तो आपको यहाँ पर दिखा देगा दोस्तों ऊपर में। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, मुझे एडिट करना होगा, तो फिर दोस्तों मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पर आपको भी यदि कुछ गलती होगा आपका, तो यहाँ पर आपको ऊपर में शो कर देगा दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप पहला स्टेप पर्सनल डाटा भर चुके हैं दोस्तों, और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद आप सेकेंड स्टेप जो कि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे, यहाँ पर इस पेज पर आने के बाद आपको ऐड करना होगा। ऐड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड एजुकेशन का ऑप्शन आ गया है। आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, आपका जो कॉलेज से पढ़े हैं उसका नाम देना होगा, वो कौन सा बोर्ड है दोस्तों वो देना होगा दोस्तों आपको। यहाँ पर फिर स्टेट का स्टार्टिंग डेट देना होगा, आपको कब से आप ITI किए हैं दोस्तों। यहाँ पर इन डेट देना होगा आपका, कब ITI ख़त्म हुआ है दोस्तों। फिर आपका पासिंग जो है, यदि आप पासिंग कर गए हैं तो आपका वो रिजल्ट डेट बताना होगा। यदि आप पास नहीं किए तो एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ बता सकते हैं। फिर कंट्री आपका क्या है, इंडिया से आप हैं तो इंडिया देंगे। सिटी आपका क्या है, आप जहाँ से भी रहते हैं वो आप देंगे। फिर एजुकेशन टाइप आपका क्या था दोस्तों, एजुकेशन टाइप कॉरेस्पॉन्डेंस था, फुल टाइम था या पार्ट टाइम था, वो आप देंगे। आपका क्या ब्रांच है दोस्तों, ब्रांच आप देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फीटर जो भी आप ब्रांच से किए हैं वो आपको देना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज देना होगा, क्या आपका परसेंटेज है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन हेड, यहाँ पर आपको हेड का देना होगा, हेड के बारे में यहाँ पर
पूछा जा रहा है दोस्तों, फिर हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको टिक करना होगा दोस्तों। आपका जो क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप यदि कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ आपको ओके क्लिक करना होगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ आप जैसे ही एड करेंगे, ओके करेंगे, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका इस तरह से आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर करेंगे दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको ऐड करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए यहाँ पर फिर से वैसे ही क्लिक करना होगा ऐड पर। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉय, यदि आपके पास है वर्क एक्सपीरियंस तभी आप ऐड करिएगा दोस्तों, यदि आपके पास नहीं है तो आप नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयर का नाम लिखना होगा, एम्प्लॉयर कैटेगरी लिखना होगा कि एम्प्लॉयर आपका कौन था, जो बंदा के अंदर आप काम करते थे वो कौन था, उसका क्या कैटेगरी था, फिर उसका रजिस्टर क्या, हेडक्वार्टर का क्या एड्रेस था दोस्तों, यहाँ पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर था, फिर ये रजिस्टर हेड ऑफिस का उसका एड्रेस लिखे हैं, कंपनी का जो इन आप कब से काम कर रहे थे वहाँ पर वो लिखिए, अभी जो जॉब है आपका वो लिखिएगा दोस्तों यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका क्या स्टार्टिंग, कब से ये जॉब कर रहे हैं, जो अभी आप जॉब कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं दोस्तों, वो देना होगा। फिर आपको कंट्री देना होगा, आप कौन से देश में कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर आपको क्या आप कंट्री ऑफ पोस्टिंग देना होगा, सिटी ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर, कौन से सिटी में दे रहे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री देना होगा कौन सा इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, फंक्शनल एरिया देना होगा आपको कौन से एरिए लोकेशन में कौन सा है, फिर उसके बाद आपका जॉब टाइटल देना होगा कौन सा जॉब है, फिर उसके बाद आपका क्या पेमेंट रहा है वहाँ पर वो देना होगा, फिर एनुअल आपका कितना पेमेंट था वो देना होगा। फिर आप यदि डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वहाँ के बारे में तो फिर आप दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर वहाँ का यदि इंडिया का है तो वो तो रुपये होगा, जो बाकी दूसरे देश में आप काम कर रहे हैं दोस्तों तो आप उसका करेंसी देना होगा दोस्तों, और इंडिया का भी आपको यहाँ देना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आप ओके करेंगे दोस्तों। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों तो आप यहाँ पर कुछ नहीं भी देंगे तो आप नेक्स्ट कर दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप पर दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप पर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है दोस्तों वहाँ पर आपको ये खोजेगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देना होगा दोस्तों, क्या क्या कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, वहाँ पर वीडियो में जाकर देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों। वहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है कौन कौन सा क्या क्या आपको अटैच करना होगा। यहाँ पर आपको अदर सर्टिफिकेट स्किल, जैसे यदि आपके पास कोई स्किल है दोस्तों तो यहाँ पर आपको करना होगा ऐड। यदि आपके पास इस बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो आपको अटैचमेंट में भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड करेंगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना होगा दोस्तों। ऐड पर क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ आपके सामने खुलता हुआ दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप लिखना होगा दोस्तों, किस तरह का डॉक्यूमेंट है, फिर उसके बाद अटैचमेंट टाइप लिखना होगा दोस्तों। यहाँ पर अटैचमेंट टाइप सर्टिफिकेट है या, तो फिर इस तरह से आप सब कुछ भर लेंगे दोस्तों। फोटो आपका, आपका सर्टिफिकेट, 10th 12th का, लैंग्वेज क्या है दोस्तों उसका, लैंग्वेज आपको देना होगा दोस्तों यहाँ पर। फिर उसके बाद आप इंग्लिश, हिंदी, मलयालम जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइल आपको चूज करना होगा, फाइल फाइल चूज करने के बाद यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफ़र और यहाँ पर ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप लोग को फिर नेक्स्ट पेज ओवरव्यू एंड रिलीज पर आना होगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फोटोग्राफ यहाँ पर ऐड हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप करते ही दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज पर चला जाएंगे आप दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट पेज पर आ गए। यहाँ पर आपको टिक करना हो कि आपने
अपना आई वांट टू रिलीज माय प्रोफाइल इन ऑर्डर टू कंसीडर फॉर अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपका जैसे कि ये जो आपका प्रोफाइल है ये और भी कहीं पर यूज किया जा सकता है, जैसे कि और भी कहीं डिपार्टमेंट में आपका जो प्रोफाइल आपको वो लोग देख सकते हैं आपका प्रोफाइल को। यदि आप चाहते हैं ऐसा दोस्तों तो आप यहाँ पर टिक करें, यदि ऐसा नहीं चाहते आप तो यहाँ नहीं टिक करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आप कंप्लीट पर टिक कर देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटेड, द कैंडिडेट प्रोफाइल वाज सक्सेसफुली रिलीज्ड। तो इस तरह का मैसेज आपको आ जाएगा दोस्तों, मतलब कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैं हर चीज़ समझा पाया इस वीडियो में आपको दोस्तों। तो दोस्तों अब यदि आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, एकदम बेझिझक बताइए यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।